नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेगन डाइट के बारे में कि क्या वेगन डाइट किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अच्छी रहती है या नहीं रहती, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर पहले हम वेगन डाइट को समझने की कोशिश तो करें कि वेगन डाइट वेजिटेरियन डाइट से कैसे अलग है, क्योंकि इंडिया के अंदर 60% लोग 70% लोग हैं ही वेजिटेरियन। अब वेजिटेरियन डाइट में और एक वेगन डाइट में फ़र्क क्या है? वेगन डाइट के अंदर हम कोई भी खाने की चीज़ किसी भी जानवर से नहीं लेते। जैसे वेजिटेरियन लोग दूध लेते हैं, पनीर खाते हैं, मलाई लेते हैं, घी खाते हैं, ये चार चीज़ें दूध की हम ले लेते हैं, बाकी साथ में सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, मगर दूध की बनी हुई आइटम भी नहीं ली जाती वेगन डाइट के अंदर। तो वेगन डाइट के ऊपर बहुत लंबे टाइम से रिसर्च चल रही है और इसकी रिसर्च के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक मार्कर होता है जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है, जिसका नाम है टीमाओ। इसको आप गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। टीमाओ जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन आइटम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन आइटम खाते हैं उनकी उसकी वजह से उनकी बॉडी में टीमाओ की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है और उसी की वजह से उनकी बॉडी में जगह जगह में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई हम दो इंसान लें, एक नॉन वेजिटेरियन डाइट पर रहता है और एक प्योर वेगन डाइट पर रहता है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये देखा गया कि जो प्योर वेगन होते हैं उनकी बॉडी में जो टीमाओ की लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब टीमाओ का किडनी से क्या लेना देना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी बॉडी में हम किडनी के अंदर हम जाते हैं देखते हैं, तो किडनी के अंदर हमें दो टाइप के डैमेजेस देखने को मिलते हैं। अगर डैमेजेस बीपी शुगर की वजह से होगा तो कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो डेड हो चुका है, जिसके रिकवरी के चांसेस जीरो हैं, बट कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इन्फ्लेम्ड होता है, यानी उसमें स्वेलिंग होती है, जिसे हम नेफ्राइटिस भी कहते हैं। अगर किसी भी तरीके से हम इस नेफ्राइटिस वाले पार्ट को ठीक कर लेते हैं तो किडनी हमारी कुछ हद तक फंक्शनल हो जाती है। अगर हमने किडनी के उस पार्ट में से इन्फ्लेमेशन ख़त्म करना है तो हमें दो तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली है कि हम मेडिसिन से उसको सब्साइड कर दें, दूसरा है कि वो स्वेलिंग दोबारा ना आए। अगर स्वेलिंग हम दोबारा ना आना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम खाने को ही मेडिसिन में कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं कि हम जो नॉन वेजिटेरियन थे या ओमनीवोरस थे, वेजिटेरियन थे, उससे हम प्योर वेगन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे टीमाओ लेवल्स में देखने को मिलता है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जब हम वेजिटेरियन या फिर हम वेगन की बात करते हैं तो वेगन लोगों को लेकर बहुत सारे डाउट रहते हैं कि इसमें खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी या B12 नहीं होता, बॉडी में डेफिशिएंसीज पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। ये बात सही भी है। अगर हम प्योर वेगन खाने पे जाते हैं तो हमें सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने को क्या मिलती है कि उन लोगों के अंदर जो प्योर वेगन होते हैं विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। मगर हमने करना क्या है, हमने उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम प्योर वेगन डाइट पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने दूध, मलाई, मक्खन, घी भी बंद कर दिया है, वहाँ पर हमें कुछ और पौष्टिक वाली चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर हम उन पेशेंट के अंदर हम अगर दालों की मात्रा को बढ़ा दें तो हमें उसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। दूध की जगह अगर हम सोया दूध दे दें तो हमें उसका बेनिफिट देखने को मिलता है कि हमारी जो दूध की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी पूरी होनी शुरू हो जाती है। आप दूध को, गाय के दूध को आप सोए के दूध से कंपेयर कर सकते हो, इतनी दोनों में ताकत होती है। तो आपको बस अपने खाने पीने की आइटमों को बदलना होता है। जैसे आपने पनीर खाना है तो पनीर की जगह आपने टोफू ले लिया, दूध की जगह आपने सोया मिल्क ले लिया। तो वेगन डाइट हमें करने से हमें बेनिफिट देखने को मिलता है कि पेशेंट की टीमाओ लेवल्स में फ़र्क आ गया। और ये छोटी छोटी जो चेंजेस हम अपने डाइट में या फिर अपने रहने के तरीकों में हम करते हैं, उससे लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वेगन डाइट को फॉलो करेंगे और वेगन डाइट को फॉलो करने से आप अपनी जो किडनी की कंडीशन है उसे काफ़ी हद तक स्टेबल कर देंगे। अभी वेगन डाइट क्या होती है, कैसी होती है, इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसको हम आगे किसी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से चलने की आग्रह चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।